उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के तत्वावधान में अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व दिनांक 19/8/2019 को उक्त संघ के माध्यम से जिला अधिकारी को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, इसलिए संघ इसकी घोर निंदा करता है और जनपद के सभी पंचायत राज सफाई कर्मचारी आगामी दिनांक 3/9/2019 को उक्त समस्याओं के निवारण के लिए एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे और कलेक्टर पर धरना देंगे। अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी समस्या सुनने के लिए यहाँ आए। पत्रकार छायाकार मल्लू महोदय, हमारे जनपद विभाग में 1100 सफाई कर्मचारी पंचायत विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, परंतु अनेकों समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। विभाग हमारी समस्याओं को अनदेखा कर रहा है। उसी से आगाह होकर के हमने एक 19/8/2019 को माननीय जिलाधिकारी महोदय को 5 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, जिसके उपरांत विभाग की काल में जून ना दिखने के कारण हम संगठन के सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी दिनांक 3/9/2019 को कार्य बहिष्कार कर एक दिवसीय धरना देंगे। यदि हमारी मांगों को अनदेखा किया गया तो हम इस धरने को अनिश्चितकालीन धरना ही बना सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण शासन प्रशासन और विभाग की होगी।